चलिए कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। एयर इंडिया के लिए बोली लगाने का आज आखिरी दिन है। सूत्रों के मुताबिक टाटा ग्रुप इसकी रेस में है और इस बारे में कुछ और जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी समीर दीक्षित इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समीर, 5 बजे तक बिडिंग का वक्त है, अब तक कुछ तस्वीर साफ हो पाई है? बिल्कुल दीपक, एयर इंडिया के लिहाज से ये आज का दिन बहुत अहम है, जिसमें एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंट ये आज उसकी अंतिम तारीख है। यानी कि जो भी सीरियस बायर है, जो वाकई में एयर इंडिया को खरीदना चाहता है, उनको अपनी दिलचस्पी पूरा ऑफिशियल तरीके से आज उसके सबमिट करनी है उस बिडिंग के लिए। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के तहत आज शाम 5 बजे तक इसके लिए सरकार के सामने अपनी सूचना पहुंचानी होगी। इसमें सूत्रों के मुताबिक ये पता चल रहा है कि 2 कंपनियां हैं जो जिन्होंने फॉर्मली अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंट फाइल भी किया है। एक कंपनी है जो कि यूएस बेस्ड फंडिंग एजेंसी है, इंटरप्स इनकॉर्पोरेशन। इंटरप्स ने फॉर्मली अनाउंस भी किया है कि वो एयर इंडिया के लिए बोली लगाएगी। दूसरे जिस पर लगातार निगाह बनी थी वो है टाटा सन्स। टाटा सन्स ने भी फॉर्मली यानी कि ये अब सरकार तक अपनी सूचना दी है कि वो एयर इंडिया के लिए न केवल बोली लगाएगी बल्कि ये जो पूरी प्रक्रिया है इसमें कदम दर कदम आगे बढ़ेगी। तो टाटा सन्स, जिस आपको बता दें कि टाटा की 2 एयरलाइन में हिस्सेदारी है, एक है एयर एशिया में और एक है विस्तारा में। तो सूत्रों के मुताबिक यह पता चल रहा है कि एयर एशिया के जरिए टाटा सन्स एयर इंडिया को खरीदने के लिए बोली लगाएगी। अब इसमें प्रक्रिया के तहत आगे क्या होगा कि 5 जनवरी को फाइनेंशियल बिड सबमिट करने की अंतिम तारीख है। यानी कि फाइनेंशियली कौन सी कंपनी क्या बोली लगाती है उसकी अंतिम तारीख 5 जनवरी है और तब ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि सबसे ऊंची बोली किसने लगाई है एयर इंडिया को खरीदने के लिए। और जो सबसे ऊंची बोली लगाएगा, जैसे कि रेस में लगातार हमें पता चल रहा है कि इंटरप्स इनकॉर्पोरेशन है, टाटा सन्स है, तो जो सबसे ऊंची बोली लगाएगा वो एयर इंडिया को हासिल करने के लिए प्रबल दावेदार बन पाएगा। आखिर एयर इंडिया के साथ दिक्कतें क्या है, ये भी आपको बता दें कि एयर इंडिया पर जो इस वक्त कर्ज है तकरीबन 23,500 करोड़ का, वो भी जो कंपनी इसको खरीदेगी उसको ये भार झेलना होगा। तो यही एक बड़ी वजह है जिसके लिए बहुत ज्यादा नाम आगे नहीं आ पाए हैं। लेकिन सरकार ने चूंकि बोली प्रक्रिया के तहत कुछ मान बदलाव भी किए थे ताकि ये जो पूरी एयर इंडिया को खरीदने का जो पूरा प्रस्ताव है इसको आकर्षक बनाया जाए और इसमें एंटरप्राइज वैल्यू जो एयर इंडिया की होगी उसी के आधार पर बोलियां मंगाई गई हैं। तो ये कंपनियों के लिए एक बेहतर मौका बन पाएगा कि वो एयर इंडिया को खरीदने के लिए जो उसका एंटरप्राइज वैल्यू बनेगा उसी पर बोली लगाएंगी। और 2 बड़े नाम इस वक्त जो तस्वीर में निकल करके सामने आ रहे हैं वो है टाटा सन्स, जो कि अपनी एक एयरलाइन एयर एशिया के जरिए बोली लगाएगा, और दूसरा नाम है जो अमेरिका का फंडिंग एजेंसी है, इंटरप इनकॉर्पोरेशन। तो ये अभी तक तस्वीर साफ है। लेकिन अभी जो 2 कंपनी और बता देता हूँ जिन्होंने अपनी दिलचस्पी जताई है, उसमें हिंदुजा एक प्रबल नाम अभी भी सामने है, लेकिन फॉर्मली क्या वो बिड करता है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंट फाइल करता है, ये तस्वीर शाम तक क्लियर हो पाएगी, तक तस्वीर साफ हो जाएगी। फिलहाल इंटरप्स इंक, अमेरिकी फंड एजेंसी, और टाटा सन्स, ये दोनों रेस में बने हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया समीर इस तमाम जानकारी के लिए।